सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका, मैं उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रैल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में। सुबह का टाइम है, सुबह की लगभग 8 बज रही है और आज देखिए भाई, सामने वाली पहाड़ियों पर हल्का हल्का कोहरा छाया हुआ है और आसमान में पूरी तरह से काले बादल छाए हुए हैं और हल्की हल्की बारिश भी लग रही है। कल से लगातार बारिश लग रही है और तरसाली के सबसे ऊपर वाली पहाड़ियों पर देखिए भाई, बर्फबारी हो रही है और फिर से सबसे ऊपर वाली पहाड़ी पर कोहरा छा गया है। लगता है फिर से बारिश आएगी और बिल्कुल ठंडा सा माहौल हो रखा है पहाड़ों का। और सामने वाली पहाड़ियों पर ज़्यादातर बांझ हो गया और चीड़ के पेड़ हैं। मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह की 8 बजे से हो रही है और अभी उठ रही हूँ। मम्मी ने तो रोहित के लिए नाश्ता वगैरह बना दिया है और अभी मैं जा रही हूँ गौशाला। आज तो गौशाला गाय भैंसों को बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। बाहर निकालेंगे तो गाय भैंसों को और ठंडा लगेगा। तो चलिए जी, अब चलते हैं गौशाला गाय भैंसों की व्यवस्था करने के लिए। तो ये रहा डब्बा, तो दूध भी निकालना है मुझे वहीं से। तो सबसे पहले यहाँ धारे से पानी भरूंगी इस डब्बे में और मेरी मम्मी यहाँ पर लगी हुई है अंदर से सूखा घास बाहर डालने पे। कुछ घास मम्मी ने इधर की साइड रख दिया है। तो ये देखिए भाई, और मम्मी ने नाश्ता बनाया और तुरंत यहाँ नीचे आ गई स्टोर रूम में। और यहाँ हमने रखे हुए हैं कुछ पुराने कट्टे वगैरह, डिब्बे और लकड़ियाँ हो गया और सूखा घास। मम्मी तो गौशाला सूखा घास ले गई है। तो चलिए जी, अब चलते हैं गौशाला और मुझे ना गोबर भी साफ करना है। तो मम्मी ने ना इस बाल्टी पे सूखा घास ला रखा है गाय भैंसों के लिए। और ये रही हमारी गौशाला, और हमारी गौशाला के जो दरवाजे हैं ना, तो वो कुछ इस तरह से हैं, सबके ऐसे ही हैं इधर साइड। और देखिए लकड़ी के हैं और यहाँ पे है कुंडी। तो दरवाज़ा खोलते हैं, ये देखिए भाई अंदर की हालत कुछ ऐसी हो रखी है, पूरी गौशाला गीली हो रखी है। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ अंदर का गोबर साफ करूंगी, फिर ले जाऊंगी कंडी पे। तो चलिए जी, सबसे पहले गौशाला गोबर साफ कर लेते हैं। तो दोस्तों ना, मैंने गौशाला ना गोबर भी साफ कर दिया है और घास वगैरह भी डाल दी है। और अब ना यहाँ पे दरवाजा लगाऊंगी क्योंकि अंदर ठंडी ठंडी हवा जाती है और भैंसे दूर भी निकाल दिया है। तो चलिए जी, अब चलते हैं घर और अब ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। तो दोस्तों, गौशाला से भी आ गई हूँ और अब चलते हैं ऊपर लकड़ी वाले किचन में। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि हम यहाँ बाहर पे बनाते थे खाना, लेकिन यहाँ पे पूरा चूल्हा जो है गीला हो गया है। तो चलते हैं ऊपर लकड़ी वाले किचन में। मेरा जो लकड़ी वाला किचन है वो सबसे ऊपर वाले छत में है। तो अंदर से बताती हूँ आपको अपने लकड़ी वाला किचन। तो अभी लाइट तो है नहीं, उतनी अच्छी वीडियो क्वालिटी नहीं आ रही होगी। तो हमारा जो लकड़ी वाला किचन है वो कुछ इस तरह से है। टीन की लिपाई पोताई गोबर और मिट्टी से करी हुई है और यहाँ ना हमने ढेर सारी चीज़ें रखी हुई हैं। सल्टी हो गया, मोलखनी हो गया और यहाँ पे है चूल्हा। मम्मी ने ना थोड़ी देर पहले यहाँ पे आग जला दी थी, तो आग भी बुझ गई है। और चूल्हे में ना पहाड़ी गीजर रख रखा है, इसमें ना पानी रख रखा है मम्मी ने। तो चलिए जी, अब यहाँ पे आग जला देते हैं। और यहाँ ऊपर की साइड है झाड़ू हो गया, स्वेल्टी ढेर सारे स्वेल्टी हो गया, कंडी वगैरह है। तो यहाँ पे आग भी जल चुकी है अच्छी तरह से और बाहर इतना ठंडा लग रहा है कि बोले हैं क्या। और अभी मैंने ना ठंडे पानी से बर्तन धोए और पानी इतना ठंडा था जैसे फ्रिज का पानी होगा, तो इतना ठंडा पानी आ रहा है धारे पे भी। तो अब आग सेक लेते हैं थोड़ी देर, फिर ब्रेकफास्ट बनाएंगे। हम तो काफ़ी महीनों बाद आ रहे हैं अपने लकड़ी वाले किचन में और यहाँ पे देखिए हमारा चूल्हा इतना बड़ा है जो कि हमने गोबर और मिट्टी से बनाया हुआ है। तो पहाड़ों में ऐसे चूल्हे होते हैं कुछ इस तरह से। बाकी पानी गर्म होगा और इधर साइड हमने रख रखी हैं लकड़ियाँ, क्योंकि बाहर लकड़ियाँ गीली हो जाती हैं तो हमने यहीं रख रखी हैं। और आजकल लकड़ियाँ ना सीली हो रही है, तो हमने यहाँ किचन में पहले से ही लकड़ियाँ रख रखी थी। हमने सोचा था जब बरसात लगी थी हम यहाँ ऊपर लकड़ी वाले किचन में खाना बनाएंगे। तो चलिए जी, और हमने ना इस चूल्हे की लिपाई भी नहीं की है, तो थोड़ी देर बाद लिपाई करूँगी मैं।
और अभी देखिए लाइट भी आ गई है। तो कल ही भैया ने ना हमारे यहाँ लाइट फिटिंग की थी, क्योंकि हमारे किचन में ना लाइट ही नहीं आ रही थी और चूहे ने ना तार काट रखा था जिसके कारण लाइट नहीं आ रही थी। तो भैया ने ना लाइट भी लगा दी है और अच्छी सी आग भी जल गई है। तो थोड़ी देर आग सेक लेते हैं। भाई तो 8:30 बजे 8 बजे के करीब स्कूल चले गया था, क्योंकि आज से उसके प्री बोर्ड भी है। तो मम्मी ने उसके लिए जल्दी सुबह में ब्रेकफास्ट बना दिया था। तो अब मैं अपने लिए और मम्मी के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो क्या स्पेशल पहाड़ी ब्रेकफास्ट बनने वाला है तो आप लोगों को आज के ब्लॉग में बताऊंगी। तो यहाँ परात में मैंने ना मंडुआ हो गया और थोड़ा सा गेहूं का आटा निकाल रखा है। उतना गेहूं का आटा नहीं है जितना कि मैंने मंडुए का आटा निकाल रखा है। तो आज ना मंडुए की रोटी बनेगी, मिक्स राली रोटी, जिसको हमारे पहाड़ों में राली रोटी बोला जाता है। तो आज मैं बनाऊंगी मंडुए की, मतलब राली रोटी, वो भी चूल्हे पे बनाऊंगी। और चूल्हे का जो स्वाद होता है ना, वो काफी गजब का होता है। तो चलिए जी आटा गूंथ लेते हैं। आटा भी गूंथ के मैंने तैयार कर दिया है, और जो ये पहाड़ी गीजर रखा हुआ है ना चूल्हे में, तो इसको मैं यहाँ पीछे की साइड रखूंगी और अब रखूंगी तवे को चूल्हे में। और अब यहाँ पे अच्छी सी आग जला लेते हैं और कोयले भी बन रखे हैं यहाँ पे रोटी बनाने के लिए। तो अच्छी सी आग भी जला दी है मैंने यहाँ पे, और अब थोड़ी देर बाद तवा भी गर्म हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैं बनाऊंगी मंडुए की रोटी। वैसे तो मुझे हाथ से रोटी बनाना नहीं आता है, लेकिन मेरी जेठी माँ बनाती है और काफी स्वादिष्ट होती है जेठी माँ के हाथ की बनी रोटी। वो भी हाथ से बनाती है, चकला बेलन का यूज नहीं करती है। तो आज मैं बनाऊंगी रोटी गेहूं। यहाँ पे राली रोटी भी बना दी है और ये रखी हुई है हॉट पॉट पे। और यहाँ पे ना अच्छी सी आग जला के फिर यहाँ चूल्हे पे पहाड़ी गीजर रख दिया है चूल्हे में। और इस पे देखिए वो रखी है, राख उड़ गई है इस पतीली के ढक्कन में। और जब तक मैंने ना रोटी बनाई, तब तक मेरी मम्मी ने ना यहाँ गैस वाले किचन की साफ़ सफाई भी कर दी है, क्योंकि हमारा जो गैस वाला किचन था ना, वो पूरा बिखरा हुआ था, सामान अव्यवस्थित हो रखा था। तो मम्मी ने व्यवस्थित ढंग से रख दिए हैं ये देखिए, और साफ सफाई कर दिया। अब देखिए किचन बिल्कुल चमक रहा है। तो मम्मी ने ना गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट भी परोस दिया है, और ब्रेकफास्ट में है मंडुए की रोटी हो गया, साथ में है बड़ी की सब्जी और घी। तो इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच लेते हैं गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट का मजा।
ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो गया है और अभी देखिए बारिश बंद हो गई है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है और सबसे ऊपर वाली पहाड़ी पर देखिए बर्फबारी हो ही रही है। और सुबह में ना काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई थी पहाड़ी पर, लेकिन कुछ कुछ गल गई है और फिर से देखिए बर्फबारी स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पर देखिए बर्तन धोने के लिए रखे हुए हैं, तो मैं बर्तन धो लेती हूँ और वो भी ठंडे पानी से धोऊंगी बर्तन। और वहाँ धारे पे मैंने बाल्टी लगा रखी है, तो यहाँ पर बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। तो दोस्तों मैंने ना ठंडे पानी से यहाँ पर बर्तन भी धो दिए हैं और हाथ बिल्कुल ठंडे से हो गए हैं। तो चलिए जी, और आज बिल्कुल किचन भी साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि मम्मी ने ना किचन का सामान व्यवस्थित ढंग से रख दिया है। और जो बर्तन मैंने धोए ना, तो उनको मैं अब यहाँ रख दूँगी। तो अब ना मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मोनिका मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय।